बैठे हैं, गोयल साहब बैठे हैं, सुनील भाई साहब बैठे हैं, और भी पार्षद नीचे बैठे हैं केवल एक सोच के लिए, और सुनील एमसीबी नीचे बैठे हैं, सिर्फ केवल एक सोच है कि बड़ी आदमी को आगे लाना है और लाकर के गोहाना का विकास कराना है। गोहाना में जल्द ही जो है नगर परिषद के चुनाव और K9 मीडिया के साथी भी यहाँ पहुंचे हैं। वैसे हमारे सारे कार्यक्रम को वो करते हैं, आज वो स्वयं जांचने आए हैं कि जन समूह का पैमाना क्या है। तो मैं भाई साहब को एक बात कहूंगा, जहां तक भी अपने मोबाइल को उन्होंने अपना शक्ति ले जा सकते ले जाओ, पूरा का पूरा ये जन समूह एक बार पुनः प्रेस के साथियों को हाथ उठा करके आश्वासन दे दो कि हम सभी राजकुमार शर्मा को भावी चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं। आइए अब जिनकी तरफ आप सभी की निगाहें हैं, मैं बुलाना चाहूंगा भाइयों के भाई, आपके सुख दुख के साथी, ईमानदार कर्मठ मेहनती और सही मायनों में गोहाना नगर परिषद के अगर कोई चेयरमैन के हकदार हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ है करना, श्री राजकुमार जी शर्मा जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें, जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दें। नमस्कार जी, राम राम जी, आवाज कमाई, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बढ़िया माहौल, मतलब देवीपुरा देवी का स्थान है और यहाँ का ये लगे भाई मैं अपनी माताओं बहनों के बीच मारे हूँ। देवी माँ का असली आशीर्वाद है। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा अभी एक माता जी मेरे को आते ही मतलब धन के साथ में आशीर्वाद दे रही थी। देखो बहुत बड़ी बात है, उनकी भावना देखो, ये बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनकी तरफ देखो, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने भी अपनी भावना से, ये नहीं होता जी क्या किसने क्या दिया, आशीर्वाद बरसा दिया। इनकी आत्मा देखो ना, अगर भाई वोट पे ना दे दी, नोट भी दे दिया साथ में, इनके दिल में इच्छा थी ना। तो इन लोगों के लिए एक बार प्लीज जोरदार क्लैपिंग। स्टेज पर उपस्थित मेरे साथीगण, और बड़ा एहसान की बात है, देखिए मेरा प्यार है आप लोगों के साथ में, ये राजा नहीं बढ़िया जी पार्षद रहे हैं, बड़े भाई है मेरे, रिश्तेदार है हमारे। मैं इनको धर्म, इनकी घरवाली को सिस्टर मानता हूँ, मतलब नाते में बटेऊ का नाता है मेरा, ये मेरे बटेऊ का नाता है, ये बच्चे इनके मेरे भांजे हैं, पार्षद होते हैं, जमीन पे बैठे हैं, मेरे प्यार में बैठे हैं। इनका लड़का दूसरे सुनील जी और खड़े हो जाए आप प्लीज, फिल्म खड़े, ये वर्तमान में पार्षद है अभी, ये प्यार में बैठे हैं, कुर्सी का लालच नहीं है, आपके प्यार में बैठे हैं। ये लड़के हैं प्रवीण निमड़िया जी, भाई मैं तो देखो आप लोगों का एहसान पता नहीं किस टाइम उतार पाऊंगा, इतना कर्जा चढ़ाने लग रहे हैं लोग, तक भाई इन लोगों का प्यार देखो ना। तो कई लोगों को कुर्सी पे यूं लगा रहा हूं, भाई मेरा नंबर नहीं आया मैं क्यों बैठूं नीचे, अरे मैं आपका भाई हूं, मेरे लिए कुर्बानी करके देखो, मैं इसे 10 गुना उतारूंगा, ऐसी बात नहीं, पहले मैंने किया भी है, ऐसी बात नहीं है कि भाई चलो 100 का 100। तो भाई मेरे ख्याल से एक आदमी मकान शुरू करा है, उसको भी पूरा होने में 1.5 साल लग जाए, तो भाई वो मैं सारा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आने दो। स्टेज पर उपस्थित अनिल निमड़िया जी, हिम्मत शर्मा जी, शिव कुमार जी, गिरधर शर्मा जी, अशोक जी, रमेश वर्मा जी, नन्ना राम जी, सत्यनारायण जी, जोनी जी, रघुवीर लठवाड़ जी, राधे श्याम शर्मा जी, महीपाल जी, सुनी ओसीआर सिंह सैनी एमसी वार्ड 15 से, आजाद गांधी जी, सतीश कुमार सरपंच, सतीश जांगड़ा जी, बोड़ा ठेकेदार जी, महेंद्र जी, राजेंद्र काद्याण जी, मां सिंह ठेकेदार जी, रामफल जी, सत्यवान प्रजापत जी, पूर्व पार्षद साहब सिंह इंदौरा, नरेश मुनपर, लेकिन मास्टर स्वामी जी हैं, मैं देखो ये लिस्ट में सभी के नाम निचड़ पाए, जितने सारे साथी बैठे हैं
और आप लोगों ने वैसे ये प्रोग्राम शोभनीय है, अच्छा लग रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं भाइयों का, क्योंकि सभी का नाम स्टेज पर लिया नहीं जा सकता। और भाई जो लिख कर दे दे यहाँ पे वो मैं उसमें बोलने में कोई हिचक नहीं, मगर मेरे पास इतने नाम आए भाई, मैं तो सभी का धन्यवाद करूं भाइयों का। और धन्यवाद भाई, भाई के लिए तारीफ बता दो ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद। देखो देखो दोस्तों, सरकारें आती जाती रहती हैं, इस चीज पे कोई बात नहीं। हमारा समय था हुड्डा सरकार के अंदर, विधायक जगबीर मलिक के आशीर्वाद से मैंने आप लोगों के बीच में कोशिश रही है मैं घर घर तक पहुंचूं। घर घर तक ना पहुंच पाया तो मैं गली गली जरूर गया, और मेरे ख्याल कोई गली ऐसी नहीं जो मैं चेयरमैन होते पैदल ना गया। जिस गली में कच्चा एरिया था यहाँ पे, यहाँ पानी भरा रहा अर्धा, ये पीपल वाली गली जो मेन अपनी बड़ी है इसमें बड़े बड़े पाइप लगवाए थे उस टाइम पे पानी निकासी के लिए। शायद कुछ साथियों को बढ़िया तरह ध्यान होंगे भाई, मैंने पहले कहा भाई 100 का 100 काम तो आदमी नहीं हो पाता एक टाइम में। बाकी उस वक्त मेरे को थोड़ा वक्त मिला था, 16 महीने मेरे पहले निकल गए थे, 3.25 साल का समय मिला, 4 महीने पहले मैंने रिजाइन करना पड़ गया, 3 साल का समय मिला। 3 साल में मैंने लगभग 2 साल काम करने का टाइम आया, 2 साल में मैंने इतने काम करे। शहर के अंदर हम जनता दरबार लगा रहे थे, कमेटी के अंदर विधायक जी के सहयोग से मैं जनता दरबार लगाते वहां पे, और अखबार में निकाला करते जिस साथी कोई गली अप्रूव्ड एरिया हो, जिसकी कोई गली कच्ची हो हमारे से आकर मिल रहे हम उसकी गली बना देंगे, ऐसा बार बार अखबारों में निकाल रहा है। एक तो आदमी का आ रहा है ऑटो में किसी गली बना देंगे, हमने अखबार में निकाल कर दिया। उस वक्त के जितने अखबार उठा कर देख लो, मीडिया के भाई के खड़े हैं, इन सारे भाइयों का धन्यवाद उस टाइम की, आपको लाइन नहीं मिल जाएगी। बार बार हम एक स्टेटमेंट देंगे किस साथी की ऑथराइज एरिया, फिर नोट करना बात है, अब बारी कॉलोनिया है, बारी कॉलोनिया उस वक्त ऑथराइज नहीं हुई थी, मगर 13 कॉलोनिया हुड्डा सरकार के अंदर हमारे प्रयास से मलिक साहब ने और मैंने प्रयास किया, आप लोगों की गलियां उस टाइम पे हमने कॉलोनिया अपलोड कराई और सारी गलियां बनवाई अपनी तरफ से। कोई साथी की गली छूट गई हो, लाइट लग रही रह गई हो भाई, इसका पूरी कर देंगे, दोबारा मौका दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। रही बात मेरे साथी ने कहा था रोजगार की बात, मेरे पास जो भी साथी आया है रोजगार के लिए, कोई साथी आया है मैं उसके लिए उठ के दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली गया, चंडीगढ़ जाना चंडीगढ़ गया हूँ, और MLA का सिफारिश करनी तो वह मैंने ठोक कर करी है। कोई काफी साथी बैठे हैं यहाँ पे, कुछ उस वक्त जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हमारे हाथ से नौकरी लगे थे कुछ साथी, उनको भी मैं बढ़िया तरीके से जानता हूँ, वो मेरे को जानते हैं। हमने उन साथियों के साथ में मिलकर खूब काम किए हैं, और मैं आगे भी मैं आश्वासन मिला हूँ आपने, एक बार मौका दे के देखो। मैंने प्रण लिया है, मैं फरी हूं अपने घर से, भाई भी बराबर में इकट्ठा परिवार है, जवान है, बच्चे जवान है, मैं फरी हूं समाज सेवा के लिए, बिल्कुल कति 24 घंटे तैयार रहता हूं। कोई भी साथी आवे मेरे वक्त के अंदर, जब मेरे को डेढ़ महीना बना हुआ था, एक हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, उस केस का फैसला है, उसके अंदर पूरे गोहाना के कार्ड कट गए थे, उसके अंदर हमने खुद प्रयास करा था, सरकार होते हमने सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि सरकार की कोई गलती नहीं थी, मगर हमने प्रदर्शन किया गरीब जनता के लिए। और वहां पे प्रदर्शन होने के बाद में हमारी मांग ऊपर सुनी गई और दोबारा से सर्वे हुआ, 8,000 पीले कार्ड थे गोहाना में, दोबारा सर्वे के अंदर 5,500 पीले कार्ड आप भाइयों के प्यार में मेरे प्रयास से और विधायक जी के प्रयास से कार्ड बन गए, पीले कार्ड बनाए 5,500। हर एक आदमी ना पहुंच पाया वो अपनी कमी रही, मैंने 2 महीने ना खुला दरबार लगाया कमेटी के अंदर पीले कार्डों के लिए, जो कि हर एक आदमी की जरूरत है, वो हम दर्द समझते हैं। 2,500 बुढ़ापा विधवा पेंशनें बनी है, और आज के दिन मेरे ख्याल से ये हालत कई कई साथी मिलते हैं, अगर जी हमारा पीला कार्ड कट गया हमारी पेंशन कट गई, कई माताएं बहने आती है अगर जी हमारी तो गड़बड़ होगी जबकि बाद पेंशन कटने वाली है, डर चढ़ा रहता है। आप विश्वास करो, सबका अपना तरीका होता है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, इस सरकार का अपना फार्मूला है काम करने का, मगर मेरे को यूं पता है मैं कांग्रेस माइंडेड हूं, कांग्रेस के अंदर रहा हूं, मैंने खूब काम किए कांग्रेस टाइम पे, और आने वाले समय में आश्वासन दिलाऊं भाइयों को, मैं पूरा जोर शोर से जिस साथी का जो योग्य होगा कार्ड और पेंशन के बारे में तो उसको रहने नहीं दूंगा, मैं खड़ा होकर बनवा के जाऊंगा अपने भाई। धन्यवाद धन्यवाद भाई। तो साथियों देखो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि सभी सरकारें अब अपने हिसाब से काम करें,
भाई हमारा काम करने का कुछ तरीका अलग है। मैं सरकार से हटके भी बात करता हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मेरे घर तक सबकी पहुंच है। काफी साथी बैठे होंगे जो मेरे पास गए हैं, किसी साथी को मेरे घर पर कुत्ता बंदा नहीं मिला होगा मेरे ख्याल से। भाई माता बहने भी कोई गई हो ना, यहाँ से कई दिन पहले मेरे पास जा रही थी। भाई मेरे दरवाजे खुले रहते हैं और दफ्तर का भी मैं गेट खुला रखा करूँ। दफ्तर में भी मेरे को हमारा पीएन ये कहता था जी, आज से पहले जो चेयरमैन थे गेट बंद रखा कर दे, एसी कमरा है। मका मैंने शौक को नहीं भाई एसी कमरा खोल दो, शीशे बंद हो और बाहर देख साता आदमी चला जावे, उन्हें देख कर नहीं हो जाए कितर आऊ बैठा हो इधर पार्ट लेगा डरता बाहर के बाहर आ जाए। तो भाई सा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। भाई पहली बात तो कोशिश करो जितना समय पब्लिक के बीच में लगाओ, और भाई दफ्तर में बैठे हैं तो दफ्तर में नहीं भाई खुले दरबार आने दो। भाई मेरे पास सबका अधिकार है और भाई ये समय आ गया चुनाव का। अब कई साथियों का सवाल भी उठ रहे होंगे, अब इसे चुनाव का टाइम पर शक्ल दिखा दें। भाई मैं तारा बीच में रह आया हूँ, दो एक साल का समय मैंने बाहर दिनों काटा है, वो भी कारण है भाई। 500 रुपये घने लाग गए, अरे भाई कुछ 10 रुपये कमाण दे बाहर लिखड़ जाए आदमी, 10 रुपये कमाने का चक्कर में गया क्यों, तारा बीच में दोबारा आना सेवा करने दी। तो भाई दो साल वास्तव में जरूर बाहर रहा हूँ, दो साल में किसे भाई का उलाना रह गया होगा मानू हूँ। भाई किसे भाई का शादी में नहीं पहुंचन पाया होगा भाई, कहीं दुख सुख में मरगत में ना पहुंचन पाया भाई, उसके लिए माफी मांगूंगा क्योंकि मैं दो साल यहाँ गुवाणा में रहे नहीं। अब मैं आपके बीच में ऊपर वाले आशीर्वाद है सारी कमी पूरी करांगे ना। तो भाई मेरे पास जो भी साथी आया करता, चंदा मांगने आया, कोई भाई उद्घाटन करवाना है, भाई माता का जागरण है, भोले का जागरण है, भाई रामलीला का उद्घाटन है, भाई बहुत सारे साथी हैं। मैंने कौन से उद्घाटन के लिए मना कराया भाई, किसमें मैं ना आया, आप साथियों सारे सुन लाग रहे हो। मैं भाई कति प्रेस वाले माध्यम से कह रहा हूँ भाई, मैंने खूब कति दिल से सेवा कर रखी है, और भाई एक बार मेरे पर विश्वास करके दोबारा सारे साथी मैंने दोबारा मौका दे, मैं आप लोगों के कति खरिया उतरूंगा। मेरे तो यू उम्मीद रखोगे ना मारा भाई, मारे लिए भाई कदे यू थोड़ा सा भी फर्क कर दे भाई, जूता मार दियो काट के इस फल तो बात और क्या इसको, क्योंकि मैंने ना तो नेता का भाई मैं नेता हूँ ना तो दिमाग में यह बात, मैं हूँ तारा भाई, कति सबका अधिकार है मेरे साथ में, छोटा बड़ा सारे भाई मेरे ऊपर नो अधिकार राख सको। और भाई भाई इतना समय आप लोगों ने यहाँ लगाया और भाई मेरे प्यार के अंदर सारे भाई इकट्ठे हुए, भाई तारा बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद। और भाई मैं तो ये अपील करूंगा हर एक वार्ड में, क्योंकि ये चुनाव अब की बार सीधा चुनाव है, जिस भाई का सगा संबंध निरंदा हो कही उन्हें तो यू ना पता हो कि भाई वोट वोट सबकी पड़ेंगी, ऊपर बड़ी वोट पड़ेगी नीचे छोटी वोट पड़ेगी, दो वोट पड़ेंगी ये आप बड़ी वोट सारा गुहाना में जहां भी जिसके संबंध हो अपने सब ने कहो वोट मतलब मेरे आओगे अगर थम गिरवाओगे तो भाई लाख सीधी बात ये। और भाई मन ने विश्वास है क्योंकि इस एरिया में हम सारी आने एक ऐसा भाईचारा सा बनाया है सारा में, मेरे घर पे कोई भी साथी जावे है कोई अमीरी गरीबी का फर्क बिल्कुल कदे ना करया ना करें, क्योंकि हम भी जमीन से उठे आदमी है। अगर हमने यूं पता है अगर भाई गरीबी के हो और अमीरी के हो सारे रूप मैंने देख लिए जिंदगी में, मेरी उम्र 52 साल की हुई है, मैंने तजुर्बा न्यू मान लिया 104 साल का कर लिया इस जिंदगी में, घना तजुर्बा कर लिया मैं, बड़ी अदरिया समझू गरीब का दर्द भी समझू हूँ। अगर भाई गरीब आदमी का यूं पता है एक आदमी आस करके जावा है और आस करके गया आदमी वहां से फिर कुर्सी में बैठा साहब यूं कहते जी यहाँ तो है ही नहीं फिर आई हो, भाई मैंने अपने टाइम में यो काम कभी नहीं करा। मेरे टाइम में जो भी साथी आया है बैठ जा भाई यहीं पे चाय पीले बैठ, उसके बाद में काम बताइयो काम है। भाई मैंने लगभग 100 का 100 तो नहीं कहता 95% लोग नूरे आवे चाय भी के फिर जाइए और अपना काम बता दे काम करवा के फिर मेरे दफ्तर तो बाहर कोई निकड़ा नहीं, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, कोई साथी हो भाई किसी कोई शिकायत हो उस चीज के लिए भाई मैं कति तैयार हूँ, सुनने भी तैयार हूँ और भाई कोई गलती हो मानने भी तैयार हूँ। भाई आप लोगों ने क्या चाहिए भाई, आप वोट देते हो आपने जनता का सेवा करने वाला आदमी चाहिए ना भाई, सेवा करने के लिए मैं आपके बीच में एक तो नया आदमी है, नया आदमी आके वादा करने लग जाए मैं ऐसा कर दूंगा वो तो भाई बर्थ के देखोगे, मैं तो बर्थ के देख रखा हूँ, मैं तो डंके ही चोट पे को हूँ। भाई मैंने तो आप लोगों की सेवा करी है और भाई मैंने थोड़ा टाइम मिला, मेरा मलाल है इस बात का, मैं दोबारा इसलिए खड़ा हूँ भाई, तुम मैंने एक बार 5 साल का समय दे, 5 साल का समय में अगर आप लोगों की सेवा बखरा ना उतरू ना दोबारा मैं वोट मांगने आऊंगा आपके बीच में, ये भी वादा है। क्योंकि मैंने पीछे जिन वार्डो से चुनाव लड़ा था मैं आप लोगों में प्यार से आपके सहयोग से
पहला साथी आपका ऐसा खड़ा हूँ, गोहाना के अंदर हम जोड़ा जीते थे, मियां बीबी कपल केस महाराज जीत रहा है। वो क्यों जीता था, पहले वार्ड से मेरी मिसिज बना करती, उसके साथ में दूसरा लगता वार्ड था, लोगों ने हमारी सेवा देखी, काम करने का तरीका देखा, लोगों ने कहा आज आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो, हालांकि मैंने एक बार मना कर दिया था, मगर मैंने चलो लोगों की रिक्वेस्ट आई और मैं उनका प्यार दिखा, मैंने दोबारा दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ा। एक वार्ड से मेरी मैडम थी, एक वार्ड से मैं था, दोनों वार्ड से लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं उनका ऋण शायद उतार पाया ना उतार पाया, बाकी मेरा प्यार बहुत लोगों में, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इतना, मैंने भी खूब एक टांग पर है, एक टांग पर है काम करा मैंने लोगों का, भाई लोग काम करने वाले की अगर कदर आप लोग समझो, और मैं आपका भाई हूँ भाई, 100 का 100 तो पूर्ण कोई होता नहीं, छोटी मोटी कमी तो सब मोह जाकर है, घर में चार, एक बाप के चार बेटे हो, छोटी मोटी कमी उनमें पा जाएगी, बाकी भाई नू है, मैं कोशिश करता हूँ मेरे शब्दों की वजह से किसी का दिल नहीं दुखे, और मेरे दरवाजा पाने के बाद में अगला नू दुखी होकर नहीं जावे, काम मेरे से ना बनेगा तो मैं कोशिश जरूर करूंगा, यह पक्की बात से नू को नहीं भाई, मैं आप इन का देना ना, मेरे बस का काम नहीं, ना ना कोई बात नहीं, मेरे बस का नहीं था, और बड़े के बस का होगा, मैं चल लूंगा आपके साथ में, मैं आपका काम करवा के लूंगा, ऐसा दिमाग में कभी बात नहीं आती, बस जो आदमी मेरे पास आया है ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सौभाग्य है मेरा, अगर मेरे को इस लायक मानता है मैं मेरे से काम आ सकूं, मैं तो फिक्र मान्य करूं अपने इस बात में, अगर आदमी यूं दिमाग में बिठा ले अगर भाई तू तो पता नहीं कितना बड़ा हो गया, वो गलत बात है, क्योंकि 5 साल के बाद में फिर जनता बीच माना है, और आदमी कुर्सी पर बैठ कर घमंड कर ले भाई, 5 साल में फिर स्टेज पर खड़ा होगा तो लोग नीचे से डड़े पकाने में वार नहीं लाते, आज का टाइम दूसरा आ रहा है, तो भाई इसलिए किसी भाई से मेरा कभी कोई भी है गलत हो गया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने कोई गलती ऐसी करी नहीं, फिर भी चलो इंसान हूँ यार, और मैं गृहस्थी वाला हूँ, के पता कई बार गृहस्थी में टेंशन हो, मैं घर वाली कितने लड़के भेज दे दफ्तर में बैठे आन दे दूसरा पटाचर दे हुआ तो भाई माफी चाहूंगा, ऐसा हो जाता है सबके साथ में, ऐसी कोई बात नहीं, बाकी मैंने ऐसी कोई गलती करी नहीं, जानबूझ के मैंने किसी दिल नहीं दुखाया, और भाई मेरा समय था, मैंने कोशिश करी गोहाना को मतलब पक्का करवाने की, 12 कॉलोनियों में मैंने खूब काम करवाए हैं, दोबारा फिर मौका होगा कुछ नया करके दिखाऊंगे आप लोगों ने, और मैं उसमें अकेला नहीं होगा, आप लोगों से बैठ के मीटिंग करके अगर जी क्या चाहते हो सबके सुझाव लेकर कमेटी बना के वार्ड वाइज 11-11 आदमी कमेटी बनाओगे, अगर आप सुझाव दो आपके वार्ड में किस चीज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम करेंगे, अपने दिमाग से अकेले नहीं, मैं अपना दिमाग सारे भाई मेरे साथ दोगे, तो भाई इसलिए बहुत समय हो गया, क्योंकि अभी माताएं बहने बैठी है किसी आधार डोकी टाइम में दूध निकलना है भाई, ऐसा है ठीक है जी साथियों, एक एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सहयोग करोगे, मैं हर एक जगह यह बात कहता हूं, शहर के अंदर कॉमन सी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, मेरा अपना विचार है साथियों के मंथन करने के बाद में कमेटी के चारों कोणों मतलब शहर के चारों कोणों में एक एक लाइब्रेरी हो जावे, जिसमें के गरीब बच्चे आसानी से पढ़ सकें, उसमें किताब उपलब्ध होंगी तो बच्चे पढ़ पाएंगे, मैं 4 लाइब्रेरियां बनाने का मेरा विचार है, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा सरकार के माध्यम से भी और कमेटी के कोटे से भी, और आप लोगों के सहयोग से भाई मैं चाहूंगा भाई शिक्षा के मामले में बच्चे अगर सर जब भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा है ना किताब बड़ी महंगी महंगी है खरीद नहीं पाता, तो गरीब का बच्चा पिछड़ जाता है, वो उस मामले में आप लोग मेरा सहयोग करोगे तो मैं जरूर इस बारे में करूंगा, और भाई स्टेज का संचालन जो कर रहे हैं भाई तरुण राजपाल जी, मेरे ख्याल से एक वो कहते हैं कृष्ण भगवान की तरह है मेरे लिए, तो भाई नुको तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो, क्योंकि ये इतना गुणगान करते हैं आपके भाई का, शायद मैं इस लायक हूँ ना हूँ मेरे को पता नहीं, बाकी ये भाई मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज का प्रोग्राम जिन साथियों ने रखवाया यहाँ पे भाई उन सब का नाम तो नहीं लेता मैं, बाकी सारा का धन्यवाद मेरी तरफ से, कोई गलती रही हो तो क्षमा चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शर्मा जी को जो थोड़ा लेट आए हैं वो भी हाथ उठा करके आश्वासन दे दें, सारे भाई हाथ उठा करके आश्वासन दे दें कि राजकुमार शर्मा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आदर और सम्मान के योग्य हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन पूर्व गोहाना नगर परिषद के आने वाले भावी चेयरमैन डंगी साहब
स्टेज पर बैठे सभी नेतागण बुजुर्गों साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पंडित जी जो महाराज हैं, ये देवता के रूप में आपके सामने पेश आए हैं। आप से कांग्रेस पार्टी ने हमारे को एक अच्छा कैंडिडेट देकर भेजेंगे। ये ब्राह्मण जरूर हैं, पंडित जी जरूर हैं, लेकिन काम दलितों वाले करते हैं हमेशा से।